साथियों नमस्कार। आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित रहें। और देखिए सामने आप देख रहे हैं, ये संतरे का बहुत छोटा पौधा है और बहुत छोटे गमले में लगा है, क्योंकि आजकल अब आधुनिक युग में हर चीज़ की गुणवत्ता का विकास हो रहा है, तो पेड़ पौधों का भी विकास हो रहा है। और देखिए इतने छोटे से गमले में इतना अच्छा संतरा का फल ये लगा हुआ है। हमारी शुभकामनाएं हैं, जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो इसी तरह प्रफुल्लित रहें और इसी तरह आनंद लेते रहें प्रकृति का और फल फूल पौधे का विकास करते रहें, ऐसी शुभकामना है। और देखिए आज हम इसको रोपित कर रहे हैं बड़े गमले में। पहले दूसरा पौधा लगा हुआ था तो 2 दिन इसको धूप दिए, जिससे इसमें कोई भी जो कीटाणु हैं जीवाणु हैं वो सारे समाप्त हो जाएं। खूब धूप में इसको रखा गया। और अब नीचे देखिए इसके ड्रेनेज सिस्टम के लिए ईंट और गमलों के टुकड़े डाल दिए गए हैं। और काफ़ी बड़ा गमला है, करीब 18 इंच का। अब इसमें ये संतरे का पौधा हम लगा देंगे, ये देखिए, और जिससे इसका विकास फिर अच्छा होगा, ऐसी उम्मीद है। और इस पौधे को आराम से पहले इस गमले से निकालने का प्रयास किया जाए। और इसके लिए सावधानी ये रखना है कि इसमें आप जो है पहले से 1-2 दिन से इसमें पानी मत दीजिए, तो इसकी मिट्टी टाइट हो जाएगी। और मिट्टी टाइट हो जाने से फिर ये गमले से, प्लास्टिक के गमले से तो बहुत आराम से निकल आता है, देखिए कितना अच्छा निकला, जैसे किसी ने पैक किया हो। ये सामने देखिए ये पिंडी निकल आई। अब हमारा उद्देश्य ये है कि इस पिंडी को तोड़ा ना जाए, अगर तोड़ देंगे तो फिर पौधे में के विकास में दिक्कत आती है। लेकिन एक सावधानी ये रखना पड़ेगी कि इसके नीचे अगर पौधे के जड़ों का गुच्छा बन गया है तो उस गुच्छे को हम अलग करेंगे। और यदि कोई गिट्टी वगैरह रखी है, जैसे जनरली आदमी बच्चे मतलब रख देते हैं नर्सरी वाले गिट्टी वगैरह, तो उसको हम निकाल देंगे। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि धारदार चीज़ से इसकी जड़ों का नीचे वो छांट देते हैं, और जो जड़ें डेड हैं उनको भी हम निकाल देंगे, क्योंकि उनसे पौधे का विकास मतलब गुच्छा एक बन जाएगा, फिर उससे विकास रुक जाता है। और इस तरह से अब ये निकाल दिया, अब ये मिट्टी में अच्छी तरह इसकी जड़ें पकड़ लेगा। ये देखिए ये निकल गया, अब ये बिल्कुल ठीक हो गई है इसकी स्थिति। और अब इसमें इसी गमले से देखिए, इसमें हमने मिट्टी साधारण मिट्टी ली है, काऊ डंग को मिलाया है, बहुत अच्छी कंपोस्ट जो बनी हुई थी हमने स्वयं घर में बनाई है, लीफ कंपोस्ट है इसमें, और काऊ डंग है, और सैंड मिलाया है, क्योंकि जितने भी ये कांटे मतलब कांटा तो है ही इसमें छोटा मोटा, जितने भी इस तरह के पौधे होते हैं ड्रेनेज सिस्टम के लिए इसमें सैंड बहुत अच्छा काम करता है। तो ये देखिए गिट्टी डाल दी हैं और इसी गमले से अब इसमें मिट्टी डाले दे रहे हैं। मिट्टी का पहले अक्सर अच्छा मिक्सचर हमने तैयार कर लिया था, उसी को भुरभुरी हो गई है मिट्टी, खूब मिला दी गई है, कोई भी टुकड़ा इसमें बड़ा नहीं है। और इस तरह जब ये करीब देखिए 3-4 सेंटीमीटर हो गया है, क्योंकि अब हम लोगों की आदत पड़ गई है हाथ से काम करने की। अब आज के आधुनिक युग के लोग तो काम नहीं करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट से काम करते हैं, लेकिन हम लोगों की आदत ही है मिट्टी में हाथ से काम करने की, तो इस कारण वही अच्छा भी लगता है और उससे पौधे की पकड़ भी अच्छी हो जाती है, अच्छी तरह रोपित हो जाता है। तो ये देखिए गमले में खूब अच्छी मिट्टी डाल दी गई और मिट्टी में पोषक तत्वों का पर्याप्त विकास किया गया है। ये जो तना है इसमें विशेष बात ये ध्यान रखना चाहिए कि तने को मिट्टी के अंदर डिप नहीं जाना चाहिए, इसके लेवल पे ही मिट्टी होना चाहिए। ये एक विशेष चीज़ रखना चाहिए कि मिट्टी इसके ऊपर ना जा पाए, अगर इसके ऊपर जाएगी तो फिर पेड़ में वो जो है समस्या पैदा कर देगी और पेड़ का विकास रुक जाएगा। अगर क्योंकि हर चीज़ का एक लेवल है, ये इसका तना है, यहीं से इसका विकास होना है, तो
तो इसको हम ऊपर रखेंगे। तो गमले को हम इतना, अगर पेड़ हमारा छोटा है, बड़ा होता तो हम उसको नीचे से लेते, क्योंकि पेड़ छोटा है और उसकी पिंडी भी छोटी है, तो इसलिए मिट्टी इसमें हम ज़्यादा डाल देंगे, मिट्टी ज़्यादा डाल देंगे जिससे पेड़ हमारा ऊपर की तरफ रहे, क्योंकि अगर ज़्यादा अंदर हो जाएगा तो फिर उसको पर्याप्त हवा नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन प्राणवायु मिलना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए अब इसका लेवल बिल्कुल फिट हो गया, थोड़ा हम खाली भी रखेंगे जिससे फिर आगे जब इसका विकास होगा तो उसमें फिर जो है वो मिट्टी अपना भर दी जाएगी आगे चल के। तो इस तरह ये देखिए पर्याप्त अब इसका संतुलन बिल्कुल फिट हो गया, बीचों बीच इसको लगाया जा रहा है और ये देखिए मिट्टी खूब भर दी जाएगी इसमें, और संतरा का फल तो लगा ही है, वो तो आप लोग देख ही रहे हैं, और यही सीजन भी है इसका आने का। तो ये देखिए मैं काफ़ी जल्दी कर रहा हूँ जिससे आप लोगों का समय भी बर्बाद ना हो, समय सबका बहुत कीमती है, लेकिन प्रकृति वालों को तो समय देना ही पड़ेगा, प्रकृति के लिए वो समय बर्बाद नहीं होता है, समय का असली सदुपयोग यही है, जो जिसने प्रकृति का विकास किया वो सही समय का सदुपयोग कर रहा है, और यही विकास है, यही राष्ट्रीय संपदा है, यही हमारे घर की संपदा है, इसी को संपदा कहा जाता है, और हमारे शास्त्रों में भी इसके गुण गाए गए हैं। ये देखिए और इसको काफ़ी अच्छा जो है दबाया जाए, क्योंकि तभी जो इसकी पिंडी की जड़ें हैं और हमारी मिट्टी जो नई पड़ी है उसको, उसका सही संतुलन हो पाएगा और वो खूब दबा दिया जाता है जिससे एयर भी ना जाए इसके अंदर। एक ये भी एक वैज्ञानिक सिस्टम है, अगर इसके अंदर एयर चली गई तो वो फिर पेड़ को लगने नहीं देगा। ये देखिए और ये देखिए पौधा बहुत अच्छी तरह से लग गया, मिट्टी भी उतनी तैयार थी जितनी इस पौधे के लिए आवश्यकता थी, इस गमले के लिए, और ये देखिए लग गया सा पौधा। पौधा लगाना भी अपने आप में एक टैक्ट है। ये देखिए अब इसका तना आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल ऊपर है, ये देखिए तने को हमने बिल्कुल ऊपर स्थान दिया है, पेड़ को बिल्कुल सीधा लगाया है, बीचों बीच लगाया है और इसको काफ़ी भर दिया गया है। और देखिए अगर आपका गमला बड़ा है, क्योंकि आजकल ज़मीन दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ है तो वो ज़मीन हो गई है, और होती हो आगे भी होगी, तो इसका हमें सदुपयोग भी करना है, क्योंकि देखिए इसमें सारे पोषक तत्व इस मिट्टी में शामिल हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, जब एक गमले की परिधि बड़ी है तो ये देखिए सेंसवेरिया की छोटी वाली वैरायटी है, इसको लगा दीजिए किनारे किनारे। ये सेंसवेरिया ऐसी होती है कि इसके जब जड़ें इसकी इतनी मुलायम होती हैं कि जो ये पेड़ लगा होता है इसको भी ये कोई डैमेज नहीं करते। ये अपने आगे छोटी वाली लगाइए, लेकिन सेंसवेरिया बड़ी वैरायटी मत लगाइए, बड़ी वैरायटी लगा देंगे तो उसके बड़े कंद होते हैं वो आपके पेड़ों की जड़ों में उसकी जड़ें घुस जाएंगी। और ये देखिए इससे सुंदरता भी गमले की बढ़ गई। ये देखिए आप सेंसवेरिया को मैंने लगा दिया, और अभी आपको सेंसवेरिया का और विकास का भी मैं विकास दिखाई दे रहा हूँ। ये देखिए ये लग गया आराम से सेंसवेरिया, अब ये किनारे किनारे ये भी बढ़ता रहेगा, और ये भाई इसलिए कि ऑक्सीजन तो सभी को चाहिए, तो ये ऑक्सीजन दाता है सेंसवेरिया, तो ऑक्सीजन दाता है। ये देखिए इसकी पत्तियाँ भी लगा दी, ये हमने पत्तियों से ही डेवलपमेंट किया है, ये जो आप देख रहे हैं सामने छोटी सेंसवेरिया इसको हमने पत्तियों से ही डेवलप हुआ है, और पत्तियाँ ही अभी इसी की काट के इसी के चारों तरफ लगाए दे रहे हैं, क्योंकि ये खाली रहेगा गमला भी, पेड़ हमारा बहुत छोटा है और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए भाई लग गया पौधा आपके सामने, और यदि कोई कमी या कोई अच्छाई हो तो वो कमेंट के द्वारा बताइए, मैं तो अपनी तरफ से बहुत ही अच्छा लगा रहा हूँ। ये देखिए और पानी भी अब लबालब इसमें भर दिया है, ऊपर तक पानी भर दीजिए जिससे बिल्कुल ये पानी नीचे निकल जाए जाके। ये देखिए ये पौधा आपका लग गया, पूरा भर दिया गया है पानी लबालब, और ये देखिए
और शाम के टाइम लगाइए पौधा। पौधा हमेशा शाम के टाइम लगाइए क्योंकि धूप बहुत तेज पड़ रही है आजकल, और ये पानी इतना भर दिया है कि ये नीचे जो ड्रेनेज सिस्टम का छेद है वहाँ से पानी निकल जाएगा बड़े आराम से, और मिट्टी पूरी बैठ जाएगी और जो इसकी पिंडी है और मिट्टी का अच्छा मिलन हो जाएगा और जड़ें वो पकड़ लेगा। अब इसमें कल या नहीं परसों हम पानी डालेंगे। इस तरह देखिए भाई, लग गया पौधा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया। इसी तरह हमारे चैनल से और प्रगति से जुड़े रहिए और विकास करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।